गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम रुचि गुप्ता, योर मैथ्स टीचर. इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 8. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है, आपको चार टर्म ये बने, देखो 1, 2, 3, 4. इनमें से आपको बताना है कौन सी लाइक टर्म है, कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं. ठीक है, हमने देखना है लिटरल फैक्टर यानी वेरिएबल x की पावर 2 और x की पावर 2, ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स हैं. ठीक है, नीचे लिखना लाइक टर्म्स, इन दोनों को लिखना है. अब इसमें देखो, लाइक टर्म्स के लिए हमें ओनली लिटरल फैक्टर चेक करने हैं यानी वेरिएबल्स x, y, y z. अब ये देखो y z, ये दोनों हैं लाइक टर्म. अब इसमें देखो, चार गिवन है हमें, इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, x की 2y, x y की 2, इसमें x की स्क्वायर है, इसमें y की स्क्वायर है. इट मीन्स ये दोनों तो लाइक टर्म्स नहीं है. y x की 2, x की 2, y y, डिफरेंस क्या है, इसमें x की 2 आगे है, इसमें x की 2 पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है. एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको कराया था मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, x की 2y, x की 2y. इट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इनको आपने नहीं लिखना. 4 में से 2 लाइक टर्म्स हैं, तो नीचे लिखेंगे लाइक टर्म्स, इन दोनों को लिख दिया हमने, ये दोनों लाइक टर्म हैं. दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए आपको बीच में कोमा लगाना है. ठीक है, 4 में से जोनसी 2 लाइक टर्म है, उनको आपको नीचे लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन में इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर. हमें x की, y की, z की, a और b 5 वैल्यूज गिवन है, हमें इसमें पुट करना है. मैं आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करा रही हूँ. जैसे फर्स्ट पार्ट है, देखो 4a, 4 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 4 मल्टीप्लाई a है 2, 4 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई कर देना. a क्या है 2 और b क्या है 3, 2 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना. a की वैल्यू पुट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों को प्लस. इसमें a 2 टाइम्स है, तो 2 को लिखो ना 2 मल्टीप्लाई 2, एक ये वाला 2 भी आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 8. फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई, x की जगह रखना 2, 2 2 4, माइनस y की 2, y क्या है माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 9, इन दोनों को प्लस करो, 12 माइनस 9 3 आपका आंसर है. ठीक है, थर्ड पार्ट, इस पूरे के बीच में बेटा मल्टीप्लाई का साइन होता है, 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, y 2 टाइम्स है ना, तो y को 2 बारी लिखना है. ठीक है, देखो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 2, y की पावर 2, y क्या है माइनस 3 की पावर 2, इट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3. ठीक है, -3 मल्टीप्लाई y क्या है, y की जगह आपको लिखना है -3, और बीच में मल्टीप्लाई, z क्या है -2 -2 मल्टीप्लाई -2, 2 बारी -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि z 2 टाइम्स है. प्लस 4 मल्टीप्लाई x क्या है 2 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई z क्या है -2. ठीक है, 4 2 8, -3 2 बारी -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 9 9 8 72. पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 9, अभी इसको नहीं खोला ना हमने, -2 की पावर 2 -2 -2, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बच्चे लिख सकते हैं आप. ठीक है, अब ये देखो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8, अब ये 2 की पावर 2 था ना, 2 मल्टीप्लाई 2, माइनस का ध्यान रखना इसमें,
माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9 9 8 72। अब इन ये सभी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद हम प्लस माइनस सॉल्व कर लेंगे। माइनस से माइनस कट गया, 2 2 4 4 9 36। अब ये माइनस है तो माइनस, 2 2 4 4 8 32। ये दोनों प्लस किए हैं, दोनों को प्लस किया, उसमें से 32 माइनस कर दिया। ठीक है, हमें पहले एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिखनी है, वाई की जगह वाई की वैल्यू लिखनी है। पहले हमने वैल्यू पुट की, बी की जगह बी की वैल्यू और एक्स की जगह एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये सारा मल्टीप्लाई में है, 4 2 8। माइनस थ्री तीन बारी, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री तीन बारी लिख लिया। इन सब की मल्टीप्लाई, ये माइनस है ना, माइनस से माइनस कट गया, 3 2 6 6 3 18 18 2 36। प्लस है तो प्लस आएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 2 6। इन दोनों को प्लस कर दिया, 42। अब ये देखो माइनस थ्री तीन बारी, इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस बचा ना, तो माइनस क्वेश्चन में आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27। अब 8 भी प्लस का है और 42 भी प्लस का है, इन दोनों को तो प्लस कर लिया हमने, लेकिन 27 तो माइनस का है, 27 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आपको बताना है डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, देखो सबकी वैल्यू चेक करनी है, वेरिएबल्स की पावर 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + 1 2। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या हुई, ये 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4। ऐसे इसमें देखो पावर 4 + 1 + 1 तो कितनी होगी पावर, 6। 1 2 3 4 चार टर्म है, चारों टर्म की अलग अलग पावर बतानी है। डिग्री इसमें देखो 2 + 1 + 1 4, इसमें 1 + 3 + 1 5, 1 + 1 + 2 4। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 6। तो 6 क्या है, 6 इज द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। चार टर्म है, चारों टर्म की लिटरल जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर को प्लस करके, तो उसमें से जो हाईएस्ट पावर है वो होता है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 6.1 आपको कंप्लीट करनी है कॉपी में। ओके, थैंक यू।